नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स बुक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में अगर हम लोग नहीं जानते, कभी इसका अगर खोज नहीं होता, तो आप अगर मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मेरे जो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये आप नहीं देख पाते, क्योंकि मोबाइल चार्ज होता ही नहीं, तो कहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो क्या चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या होता है, चलिए धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सब आएगा समझ में। ठीक है, तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है, ये कहाँ पर इसका खोज हुआ था, कहाँ पर खोज किया गया था। ठीक है, तो ये जो है थेल्स ऑफ मिलेटस, ठीक है, ग्रीस में थेल्स ऑफ मिलेटस है, वहाँ पर इसकी खोज हुई थी। ठीक है, ये 600 BC के लगभग में इसकी खोज हुई थी, थेल्स ऑफ मिलेटस, ठीक है, ग्रीस। कब इसकी खोज हुई थी दोस्तों? 600 BC। चलिए, अब हम लोग मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर बोला जाता है, इसका नाम ग्रीस में क्या बोला जाता है, अंबर भी बोला जाता है या इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, एलेक, जैसे हम लोग ELEC लिखते हैं ना, तो वहाँ K लिखा जाता है। ठीक है, एक तरह से नॉलेज के लिए हम लोग बता दिए। ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आप लोग बचपन में याद करिएगा अपने स्कूल के दिनों को, कि आप जो है एक स्केल, मान लीजिए जैसे स्केल तो है नहीं, ये पेन है, ठीक है, तो स्केल से आप अपने बाल में जोर जोर से रगड़ते थे ना, ऐसे ऐसे करके बाल में रगड़ते थे, तो क्या होता था, हीट, रबिंग करते थे ना, हीट पैदा होता था ना, ऐसे ऐसे करके आप ऐसे से हाथ को भी अगर रगड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हीट पैदा होता है। ठीक है, यानी कि हीट जैसे ही पैदा होगा तो वो क्या होगा, चार्ज इसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, चार्ज पैदा हो जाएगा कुछ समय के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा बचपन में कि स्केल को हम लोग बाल से, बाल पर जो है क्या करते थे, रबिंग करते थे, रबिंग मतलब घिसना। ठीक है, पूरा घिसते थे और फिर कागज का टुकड़ा को रखते थे, तो वो क्या हो जाता था, कागज का टुकड़ा क्या हो जाता था, खींचा चला जाता था, इस पे आकर के चिपक जाता था। तो पेन क्यों नहीं जाके चिपकता था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में छोटा चीज होता है वो खुद पे खुद खींचा चला जाता है बड़े चीजों पर। ठीक है, तो जिसका अगर मास बड़ा रहेगा, जो बड़ा साइज का रहेगा, ठीक है, उस पे खुद क्या खींचा आ जाता है, छोटा पार्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, ये एक चीज, बेसिक चीज है जो कि आप लोग बचपन से खेलते हुए आ रहे होंगे, स्केल को आप माइंड पर, सॉरी माथा पर जो है घिसते होंगे, और कागज का छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है आ करके चिपक जाता था। तो यानी कि जो स्केल जो है वो थोड़े समय के लिए क्या हो गया था, चार्ज हो गया था। उस पर कैसा चार्ज हुआ था, पॉजिटिव चार्ज। अब बोलिएगा ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो देखिए, चार्ज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, वैसे ही हमारा ये मोबाइल भी है जिससे अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, थोड़े समय के लिए चार्ज होता है, और ये धीरे धीरे फिर चार्ज जो है दोस्तों क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और बैटरी उसका क्षमता है कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं बेसिक चीज पे। तो हमारे पास जो है चार्ज में एक होता है प्रोटोन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटोन जो होता है उसको हम लोग पॉजिटिव में नापते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव में होता है। ठीक है, अगर अगर हम लोग जो है प्रोटोन को अगर हम लोग टच करवाते हैं, ठीक है, अगर इसको भी चार्ज कर दिए, इसको भी चार्ज कर दिए, सपोज डेट, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बात को, अगर हम छोटा सा बॉल है, ठीक है, हमारे पास मेटल का है या थर्मोकॉल का बॉल है, ठीक है, सपोज डेट, उसको हम क्या कर दिए, घिस के चार्ज कर दिए, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है ना, ये जो प्रोटॉन है यानी कि वो जो है क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया दोस्तों, और इसको भी दूसरे वाले बॉल को भी हम पॉजिटिव चार्ज कर दिया, दोनों प्रोटॉन है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को पास में रखेंगे ना, तो ये क्या होगा कि ये
एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी जो है क्या होता है, ये माइनस होता है ना, नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव, यानी कि साफ साफ बात ये है कि अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि लाइक चार्ज में अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो वो क्या होगा, रिपेल होगा। अब बोलिएगा रिपेल क्या होता है, तो रिपेल उसको कहते हैं कि एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होना, हटना, ये दूर भाग रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, अट्रैक्ट नहीं होकर के दूर हट रहा है दोस्तों, दूर भागते जा रहा है। और वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक तरफ रखे और इधर भी इलेक्ट्रॉन रखेंगे और दोनों को सोचेंगे कि मिल जाए तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये भी रिपेल होगा, ठीक है, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा। आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर हम एक जगह प्रोटॉन रखें और एक जगह इलेक्ट्रॉन रखें, ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें जो है पॉजिटिव है और इसमें निगेटिव, ठीक है, तो ये जो है एक दूसरे के पास आ जाएगा फट से, ठीक है। अगर इसके बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कम रहेगा, एकदम कम, जितना पास रखेंगे, जैसे स्केल को हम लोग, स्केल को हम लोग क्या करते थे, बाल में घिस करके पेज के पास लाते थे ना, जितना पास लाते थे उतना जल्दी से फटाक से चिपकता था ना दोस्तों, अगर यहीं दूर रखते तो नहीं हो पाता क्योंकि उसके पास उतना कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। जो चार्ज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बांटने का जो पावर है चार्ज का बीच का डिस्ट्रीब्यूशन, वो कम रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन दोनों टच नहीं रहना चाहिए। आ रहा है ना समझ में, बहुत ही ईजी है, आप ध्यान से सुनिएगा, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट, ये रिपेल नहीं करेगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों चिपक जाएगा एक दूसरे से, ठीक है, आ रहा समझ में दोस्तों। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये तो हम लोग सीख लिए थोड़ा सा, ठीक है ना, जब ये अट्रैक्ट होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनलाइक चार्ज, ठीक है। कभी भी उसी में हमारा चार्ज जो है, मतलब चार्ज जो है, कभी भी हमारा अट्रैक्ट कब होगा, जब अनलाइक चार्ज होगा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, ठीक है ना, है ना, देख रहे हैं ना, आगे समझ में, चलिए और आगे हम लोग सीखते हैं अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये बहुत ईजी है, इसी से मिलता जुलता है। जो हम लोग यहाँ पर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और प्रोटॉन को हम लोग एक दूसरे से मिलाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये दोनों नहीं मिल पा रहा था, या इसको भी मिलाने के लिए कोशिश किए तो ये मिल गया दोस्तों। तो ये कैसे मिला, ये फोर्स के चलते जो है मिला है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा फोर्स लगा है, इसके अंदर ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि क्या हो रहा है, फोर्स पैदा कर रहा है, ठीक है ना, ये दोनों फोर्स पैदा कर रहा है और इसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है, आ रहा है ना समझ में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से दूर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें इसके बीच में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दोस्तों, इसमें भी लग रहा है और इसमें भी लग रहा है, ये फोर्स के चलते ही आ करके दोनों चिपक गया, आ रहा है ना समझ में, आ गया। अब देखिए इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, आया समझ में दोस्तों। अब बोलेंगे चार्ज क्या होता है, ठीक है, चार्ज जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक चीज जानना जरूरी है, बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, हम लोग आराम से बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चार्ज क्या होता है, देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों क्या हो रहा था, एक दूसरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है ना, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, प्रोटोन के अंदर कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज़ पैदा हुआ होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज़ पैदा हुआ होगा, ये तीनों के इसके साथ है, ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कब पैदा हुआ, जब इलेक्ट्रॉन आया तब ना दोस्तों, अगर ये नहीं रहता, सिर्फ खाली सिर्फ ये चीज़ आराम से पड़ा हुआ रहता, ठीक है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो वैसे ही जो है एक पॉजिटिव या एक निगेटिव या इधर एक इलेक्ट्रॉन दिए
जो आया हमारा प्लस माइनस या माइनस माइनस या प्लस प्लस जो भी केस आया यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक प्रॉपर्टीज पैदा हुआ, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज पैदा होगा, ठीक है ना, इसके अंदर, इसको देखने के बावजूद इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, प्रॉपर्टीज पैदा होगा, उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पैदा हुआ था जिस प्रॉपर्टीज के कारण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। आ गया समझ में दोस्तों, बहुत ईजी था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या। अब देखना यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है और हमारा प्रोटॉन है, इसमें कितना चार्ज होता है, ठीक है। इस दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, उसका कितना चार्ज होता है, तो आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ, बहुत ही ईजी है। देखिए, इस दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसका जो है चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का भी होता है और प्रोटॉन का भी होता है दोस्तों, ठीक है। आ रहा है ना समझ में दोस्तों, आ गया। ये इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी। आप बोलिएगा कि आप इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव में होता है, तो आपको तो यहाँ पर निगेटिव में लिखना चाहिए था, और प्रोटॉन में है तो प्लस में लिखना चाहिए था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है दोस्तों, सेम होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, आगे हम लोग जब बनाएंगे तो आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आ गया ना समझ में, कूलम, ठीक है। और कूलम जो होता है वो चार्ज का एसआई यूनिट होता है दोस्तों, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, इस ये चीज़ तो याद होगा आपको, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर बुक में दिया हुआ है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन तो अभी पढ़ेंगे बैठ के, तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत देर ना हो जाएगा दोस्तों। तो जो लिखा हुआ है मैं आपको शॉर्ट वे में बता देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ लिखा हुआ है वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, आपने जो है कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, सूखे मौसम में, ठीक है, सूखे मौसम यानी कि ठंडा के समय, ठीक है, जब पानी उनी बरस जाता है तो सूखा मौसम हो जाता है ना, यानी कि ठंडा के समय एक तरह से, तो हम सभी को हमारे सिंथेटिक कपड़ों में, ठीक है, सिंथेटिक कपड़े जानते ना दोस्तों, सिंथेटिक कपड़ों या स्वेटर में कभी ना कभी स्पार्क देखने के लिए मिलता है, ठीक है। स्पार्क मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक तरह से चटाक टाइप का, चट चट टाइप का लगता है कि अरे ये तो लाइटर से, जैसे लाइटर को करते ना है, तो स्पार्क पैदा होता है ना, जो कि गैस चूल्हा जो है हमारा जलता है। आ रहा है ना समझ में दोस्तों। तो आप कभी देखिएगा, या मच्छरदानी जो होता है घर में जो हम लोग लगाते हैं, तो उस पर आप अपने नाखून से कभी रात में करके देखिएगा, तो क्या होगा ना, सिंथेटिक का अगर रहेगा तो, उसका बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि क्या होगा, उससे एक तरह से स्पार्क निकलेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि अरे ये क्या था, ठीक है। ये सब चीज़ मिलता है, ठीक है, ज़्यादातर सूखा मौसम में देखने के लिए मिलता है दोस्तों, और ये सब लंबी लंबी साड़ियों में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये ज़्यादातर क्या होता है, ऊनी कपड़े, जो ऊन का कपड़ा होता है, रेशम का कपड़ा, नायलॉन का कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा, ये सब चीज़ में ज़्यादा ये सब चीज़ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का आपने कभी एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है। जैसे अभी बारिश का समय है ना, ठीक है, तो आप देखे होंगे आंधी तूफान बहुत चलता है, तो आसमान में क्या देखते हैं आप, बिजली कड़कता है ना, तो एक तरह का ये सॉलिड एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या होता है, जब बिजली कड़कता है तो कहाँ पर कड़कता है, वो धरती पर, धरती पर कड़कते हुए कहाँ पर चल जाता है, वो मिट्टी के द्वारा अर्थ के अंदर चला जाता है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, वो एक तरह का इलेक्ट्रिक चार्जेस होता है दोस्तों, ठीक है, आया समझ में, आ गया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लोग आपको बता दिए थे, 600 BC में इसका जो है आविष्कार हुआ था, ठीक है, और ये जो है थेल्स ऑफ मिलेटस ग्रीस में हुआ था, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये ऊल के कपड़े और सिल्क के कपड़े में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, ये सब चीज़ तो बता दिया था मैंने। तो चलिए, बहुत इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं तो शुरू में ही डिस्कशन कर दिया हूँ, अब इसका जो है थोड़ा सा लिख देता हूँ इसके बारे में कि क्या होता है, थोड़ा कॉपी में लिख देता हूँ, ठीक है ना।
आ गया ना समझ में ये सब चीज़? बहुत ही इजी था, बहुत मेन चीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा इसको, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। ये तो इजी है, शायद एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन एक तरह से याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब होता क्या है, ठीक है। तो वैसा प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोन, जो भी हम लोग पढ़े ना, प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच गिव्स, इस चीज को याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, क्या हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ था ना, बिटवीन, सॉरी देखिए बिटवीन को आप ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है, आ रहा है समझ में? हम थोड़ा शॉर्ट वे में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से, और फिर इसके बाद हो गया, इस कॉल्ड लिख दीजिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज, इस चीज़ को देख लीजिए, लिख दीजिएगा। तो हम जो आपको बताए थे ना वही चीज़ है, बस इसको थोड़ा हिंदी में समझ लीजिए। वैसा प्रॉपर्टी कौन है यहाँ पर प्रॉपर्टी दोस्तों? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आपको बताया था ना कि वैसा प्रॉपर्टी जो प्रोटॉन के अंदर और इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है उससे क्या हो रहा है, निकल रहा है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल रहा है ना, जो कि एक दूसरे को अलग कर रहा था और एक दूसरे को चिपका भी रहा था। आ रहा समझ में? कितना ईजी था, आ गया। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब बात ये आता है कि चार्ज किसको कहते हैं, चार्ज भी लिख लीजिए और बताइएगा हमको जरूर कि इस टाइप से जो पढ़ा रहे हैं ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपका फीडबैक मिलेगा तभी ना हम थोड़ा सा अच्छा सा सर्विस दे पाएंगे, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। इट इज़ द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, बता रहे इसका मतलब पहले लिख लेते हैं, ठीक है, एग्जर्ट करता है जो, देखिए चार्ज पता है ना क्या होता है चार्ज, इसको अगर रबिंग कर देंगे, ठीक है, ये प्लास्टिक का है ना, इसको अगर क्या चीज़ से रब करना पड़ेगा, कोई ऊल का कपड़ा लेकर आइएगा और इस प्लास्टिक का है तो इसको रब कर दीजिएगा, तो देखिएगा कि छोटा सा अगर प्लास्टिक रखेंगे तो प्लास्टिक चला आएगा, ठीक है। तो अभी हम बताने वाले हैं चार्ज कैसा कैसा होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर इस तरफ भी होता है चार्ज और उस तरफ भी होता है चार्ज, अभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो चार्ज जो है वैसा प्रॉपर्टी है किसका, कोई भी मैटर और मटेरियल का। जैसे ये क्या था, मैटर या मटेरियल है ना, मटेरियल है ना ये, ड्यू टू विच एग्जर्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, इसमें से क्या निकलता है, फोर्स निकलता है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही ईजी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है डायग्राम बनाएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया ना दोस्तों, बहुत इजी था, और इलेक्ट्रिक चार्ज भी जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके पहले में जाएंगे, ठीक है, इसके पहले इधर जाएंगे तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सिल्क थ्रेड है ना, है ना, और एक प्लास्टिक रड है, ठीक है, यहाँ पर दो प्लास्टिक रड है और ये सिल्क रड से जो है लटकाया हुआ है। आ रहा समझ में? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वही चीज़ जो आपको बताए हैं वही चीज़ है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है ज़्यादा, जो जो मेन मेन चीज़ है तो वही आपको हम समझा देंगे, वही चीज़ है। देखिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है तो आप लोग जानते हैं कि ये दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर ये जो चीज़ आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखिएगा बना करके, पहले ये चीज़ देख लीजिए, अगर ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, अगर सपोज डैट, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से रिपेल होगा, ठीक है, दोनों जो है ना अलग अलग भागने का कोशिश करेगा, और इसके साथ भी सेम ही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। आ गया होगा दोस्तों समझ में? एक मस्त सा एग्जाम्पल आपको देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर जो है एक बॉल टंगा हुआ है, ठीक है, एक कोई सा भी एक बॉल टंगा हुआ है,
असल में दोस्तों ये जो है सिल्क थ्रेड है, सिल्क थ्रेड, ठीक है। तो हम क्या किए कि एक प्लास्टिक का इतना बड़ा जो है कोई भी रड है, ठीक है, मेरे पास रड है, इसको हम क्या किए कि कोई भी उलेन कपड़ा या सिल्क कपड़ा से क्या किए, इसको बहुत थोड़ा सा जो है रबिंग कर दिया, ठीक है, रगड़ दिया इसको थोड़ा। तो इसको रगड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ना कि ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो आप देखिएगा ये अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, आ रहा समझ में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और जितना इसके पास चार्ज होगा, जितना चार्ज मान लीजिए इसके पास 7 चार्ज होता है, तो इधर भी 7 चार्ज हो जाएगा नेगेटिव और इधर भी पॉजिटिव 7, ठीक है, आगे समझ में। तो ये पॉजिटिव होगा तो इसके किनारे वाला क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा बात को, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको जैसे ही इसके पास लेकर के आइएगा तो ये अट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है, ये थ्रेड जो है आप देखिएगा कि पूरा इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे करके घुमा देंगे, यानी कि जो माइनस जो है आप जो देख रहे हैं ये इधर आ जाएगा और प्लस अगर इधर आ जाएगा, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, अलग होने हो जाएगा, ठीक है, ये एकदम उधर जाने लगेगा, उधर उस तरफ जाने लगेगा, आ रहा समझ में, ये उस तरफ जाने लगेगा, आगे ना समझ में। तो इसका मतलब क्या होता है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं थोड़ी देर पहले कि प्रोटोन या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिपेल होता है, यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस एक तरफ मतलब कि अट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, वो क्या होगा, रिपेल होगा, एक दूसरे से जुदा होने का कोशिश करेगा, बहुत बोलेगा कि हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, हमसे अलग रहो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन अगर हम मैच करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों दोस्त बन जाएगा, ठीक है, आ रहा है ना समझ में, ये दोनों एकदम पास आने का कोशिश करेगा, ठीक है, आगे समझ में दोस्तों। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट एसी के बाद जो है क्या है कि कंडक्टर है, ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ, जो जो मेन मेन चीज़ है वही चीज़ बताएंगे दोस्तों, और एग्ज़ाम में जो है आपका एग्ज़ाम्पल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, आप देख लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग इसी टाइप से पढ़ेंगे, और जो जो बेसिक बेसिक चीज़ है वो पढ़ना तो ज़रूरी है ना, आप लोग जानते ना है। तो अब यहाँ पर बात आता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर का, ठीक है, तो आप लोग तो जानते होंगे कंडक्टर मतलब क्या होता है और इंसुलेटर मतलब भी क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्टर मतलब वो चीज़ होता है, आपको हम कॉपी में दिखा रहे हैं अच्छे से, कंडक्टर उसको कहते हैं कि हमारा जो करंट है, इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज जो है, वो आसानी से क्या हो जाए पार कर जाए, ठीक है, आ रहा समझ में। कंडक्टर बात आता है अब कंडक्टर का, तो कंडक्टर आप जानते होंगे कि जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, अलूमिनियम, कॉपर, जैसे तार जो है वो क्या होता है ना कंडक्टर, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से पार कर जाए, ठीक है, आसानी से पार कर जाए, ठीक है, आ रहा समझ में दोस्तों। वैसा सब्सटेंस मतलब जैसे कि अभी बताया ना अलूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, ठीक है, होता है ना तार, देखें ना कॉपर का तार होता है ना अलूमिनियम का, बहुत जगह यूज किया जाता है, हाँ गोल्ड का तार यूज नहीं किया जाता है, इसलिए आप लोग देखे होंगे कॉपर और अलूमिनियम का तार, देखें ना। तो यहाँ पर जैसे कि उसमें क्या होता है ना, बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं पता है ना आपको, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, आ रहा समझ में, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो आया समझ में, जिसमें लो, ठीक है, लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, जो आसानी से करंट दिए तो पार कर जाए, ठीक है। जैसे हम लोग भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, ठीक है, आगे समझ में। तो उसी को हम लोग कंडक्टर कहते हैं, कि जैसे कि हम लोग अगर तार को छुएंगे तो हम लोग को भी कोई आदमी अगर छुएगा तो उसको भी क्या लगेगा, बिजली लगेगा ना। जैसे एक फिल्म देखे ना, हंगामा फिल्म, तो उसमें अंतिम में दिखाता है कि एक को छूता है दूसरा आदमी, दूसरा को तीसरा छूता है, तो तीनों चार जितना भी है 10-12 आदमी, वो एक दूसरे से क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है, सबको जो है शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक मार देता है, देखे ना,
थोड़ा कॉमेडी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कंडक्टर किसको कहते हैं जिसमें लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रहे उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर को कैसे डिफाइन करिएगा, जैसे दोज सब्सटेंस सब्सटेंस विच हैव वेरी लो क्या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, आर कॉल्ड, कोई पूछेगा तो आप तो आसानी से बता दीजिएगा ना, आप तो याद करने का, जैसे बहुत लोग रटते रहते हैं दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर कॉल्ड, तो कुछ समझ में नहीं आता उनको, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसे पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसा पढ़ने का क्या फ़ायदा जो रटंतु विद्या हो, ठीक है। इस कॉल्ड उसको क्या कहते हैं दोस्तों, कंडक्टर्स, ठीक है। इसका मेन चीज़ क्या था दोस्तों, इसका मेन चीज़ था लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैसा सब्सटेंस, वैसा अल्मोनियम, वैसा कॉपर, ठीक है, जिसका लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रहेगा उसको कहते हैं हम लोग क्या, कंडक्टर। अब वैसे ही इंसुलेटर आता है, ठीक है, जिसमें हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रहता है, जिसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक अगर देंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक का तार लगाएंगे उसमें, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ लगाएंगे, तो क्या होगा ना, यहाँ पर रुक करके बढ़ेगा ही नहीं, आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ये रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, बढ़ने देगा ही नहीं, ठीक है, वो यहीं पर ब्रेक कर देगा, इसको आगे बढ़ने नहीं देगा दोस्तों। आ रहा है ना समझ में, ये चीज़ था। तो हम लोग इसी का जस्ट उल्टा होता है, क्या क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग कंडक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप एक जगह कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे हम अभी बता दिया ना लो, तो वहाँ पर क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका जो है और भी है, दे कंडक्ट हीट एंड, जैसे ये बताए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कहाँ पर कंडक्ट करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, कॉपर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अलूमिनियम, गोल्ड, कोई भी, ठीक है, ऑल मेटल प्रोडक्ट, बहुत इजी है। चलिए ये चीज हुआ, अब ये काम कैसे करता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा दोस्तों, ये जो देखिए बहुत बड़ा लिखा हुआ ना, तो इसीलिए हम आपको इतना बड़ा बता नहीं रहे हैं, बताएंगे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग मेन मेन चीज़ को पढ़ लेते हैं इजी वे में। तो ये काम कैसे करता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो है वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ था, ठीक है, वेरी लो रेजिस्टेंस फॉर फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फ्लो ऑफ, देखिए ये जो है बहने, फ्लो मतलब बहना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि चार्ज को ये बहने क्या होता है, आराम से दे देता है, ठीक है। आर समझ में, वेरी लो रेजिस्टेंस फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा समझ में। अब दूसरा जो है क्या होगा, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, ठीक है, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। आ रहा समझ में, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज जो है वो एग्जिट करता है कहाँ पर, चार्ज जो है एग्जिट करेगा ओनली ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। चार्ज जो है वो कहाँ पर करेगा एग्जिट, कोई भी सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना, कंडक्टर पता है ना किसको कहते हैं, यही सब चीज़ को, उसमें चार्ज जो है क्या हो जाता है, एग्जिट करता है, यानी कि यहाँ से भेजेंगे चार्ज को, तो अगर इसके बीच में कोई कंडक्टर है तो पार करा देगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, और क्या, चलिए एक और लिख लेते हैं, ऑल पॉइंट्स, इसका जितना भी पॉइंट्स है, यानी कि पॉइंट होता है ना अल्मोनियम के तार के, ठीक
बीचों बीच पॉइंट कहीं भी होता है, ऑल पॉइंट्स ऑफ ए कंडक्टर आर सेम पोटेंशियल, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल होता है यानी कि क्षमता जो होता है वो हर एक पॉइंट पर क्या होता है दोस्तों, सेम होता है। अगर अल्युमिनियम का तार है हमारे पास तो इसका जो वोल्टेज है, अगर यहाँ से जो वोल्टेज भेजे हैं तो वो वोल्टेज यहाँ पर भी पहुँच जाएगा। आ रहा है ना समझ में? ये नहीं होगा कि यहाँ पर 230 वोल्ट था तो यहाँ 250 वोल्ट हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, सब जगह सेम होगा, ठीक है। और इसका यूजेस भी बता देते, यूजेस तो पता ही है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे हमारा एसी हो गया, एसी के अंदर रहता है ना तार, तो आपको तो पता ही है कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। यूजर्स में लिख दीजिए, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ में यूज होता है इसका, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ठीक है। पता है ना बहुत सारा होता है, वॉशिंग मशीन, फैन, बहुत चीज़ होता है, वो सब में लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलेटर में तो इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है दोस्तों, इसी का जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। जल्दी से पढ़ लेते हैं। इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में जो है, इंसुलेटर उसको कहते हैं, देखिए, जिसमें जो है अगर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज जो अप्लाई किए तो ये चीज़ को बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ को बढ़ने नहीं दे रहा है, यहीं पर आकर के रोक दिया, जो कि अभी थोड़ा देर पहले बताया, ठीक है। जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एग्जिट ना कर पाए, ठीक है। यहाँ पर लगाया तो यहीं पर रह गया, जैसे कि कपड़ा, उलेन कपड़ा होता है ना, या कोई भी कपड़ा, तो कपड़ा जो है अगर आप कपड़ा को तार से छुएगा तो क्या होगा, आपको करंट ही ना मारेगा, ठीक है। या प्लास्टिक को अगर पकड़े हुए हैं, ये मान लीजिए प्लास्टिक है, ये कितना भी अगर हजारों वोल्ट के तार पे भी हम लोग इसको ऐसे करके रखेंगे तो हम लोग को करंट नहीं मारेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसका जो, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्लास्टिक का बॉडी जो है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो करंट को एग्जिट होने नहीं दे रहा है, ठीक है। ये बढ़ने नहीं दे रहा, रेजिस्टेंस जो है यहीं पर इसको रोक दे रहा है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसलिए इस ये जो है, ये जो है क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक, फिर से देखिए, इसमें जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज को एक दूसरे से दूसरे जगह तक नहीं पहुंचा पाता है, ठीक है, इसलिए इसको इंसुलेटर कहते हैं। तो इसको कैसे लिखिएगा, दोज सब्सटेंस यानी कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया और कपड़ा भी हो गया, ठीक है। तो लिख दीजिएगा दोज सब्सटेंस, ठीक है, वही चीज़ है जस्ट टू जस्ट जो आपको बताए थे, विच हैव वेरी हाई, उसमें लो था ना, वेरी लो था ना, इसमें क्या है, वेरी हाई, ठीक है। वेरी हाई क्या, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, याद रहे, वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है दोस्तों। आगे ना समझ में, बहुत ही ईजी था। अब इसमें जो है दूसरा में क्या लिख देंगे, दे डू नॉट, जो भी बताया, दे डू नॉट क्या, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। आ रहा समझ में? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एक तरह से। प्लास्टिक क्या है, वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और वुड भी, ठीक है, वुड भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक। आ रहा ना समझ में? लकड़ी, अब आप लिखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दीजिए इसका, एग्जाम्पल में रबर लिख दीजिए, रबर, वुड और प्लास्टिक लिख दीजिए, जो भी बैड कंडक्टर है, चलिए लिख दीजिए। ऑल क्या लिखिएगा, नन मेटल, ठीक है, जो मेटल नहीं है। आगे समझ में दोस्तों?
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है आपको जो बताया गया था बहुत सारा चीज़ लिख करके, ठीक है, तो उसका उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ लिखा हो गया था जो कि हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए बताता हूँ मैं, देखिए इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो जो चीज़ लिखा हुआ है उसी का जस्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको दिखाते हैं कैसे होता है, ठीक है। देखिए आपने कभी देखा है दोस्तों, आपके घर के पास कोई पोल होगा, ठीक है, ठीक है। एक पोल होगा, उसमें से जो है तार इस टाइप से गुजरते हैं 3 ठो, या कितना भी तार होगा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से तार लेते हैं ना अपने घरों में, अपने घरों में वहाँ से तार को खींचते हैं, ठीक है। अपने घर में देखा होगा जो इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोल है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तार को खींचते हैं। तो उसमें देखिएगा आप कि उसमें 3 ठो तार होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। उसमें क्या होते हैं, 3 ठो तार होते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि ये तीनों तार क्या होते हैं? आपने नहीं देखा होगा या देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं बताना चाहूँगा। देखिए पहला जो तार होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो पहला वाला जो तार होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ, ठीक है, लाइफ। और जो दूसरा वाला होता है इसको कहते हैं न्यूट्रल। और जो तीसरा होता है वो होता है अर्थिंग, जिसको हम लोग अर्थ कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों तार होता है। तो आप देखे होंगे जैसे ही आपका घर उर बनता होगा, ठीक है, तो एक अर्थिंग जमीन में जो है, अर्थिंग के लिए एक बड़ा सा लोहा को दफनाया जाता है, ठीक है। दफनाया जाता है क्यों? क्योंकि वो अर्थिंग के लिए होता है। अब इसका यूज क्या है, क्यों हम अर्थिंग के अंदर लोहा को दफनाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो दो तार है, ठीक है, लाइव और न्यूट्रल, ये जो है तार कहाँ से आता है, पावर स्टेशन से आता है, जहाँ पर बिजली बनती है वहाँ से ये दोनों तार आता है। और तीसरा तार हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग के लिए लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 5-6 फीट खोदते हैं जमीन में, ठीक है, और एक बड़ा सा लोहा को जमीन में दफनाते हैं अर्थिंग के लिए, और बाहर निकाल देते हैं, जो कि हमारा एक तार देखिएगा क्या रहता है, अर्थिंग से अटैच रहता है। ये क्यों रहता है दोस्तों, आप कभी सोचे हैं? तो मैं बताना चाहूँगा, जब हमारे घर में कभी गलती से ज़्यादा वोल्टेज आ जाती है, ठीक है, तो आप लोग सोचते होंगे अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो क्या होगा, तो हमारा सब जितना भी एसी है या टीवी है, बॉल है, सब उड़ ना जाएगा, सब ख़त्म ना हो जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग अर्थिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, इसके लिए भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। ये दोनों तार कभी ज़्यादा वोल्टेज आ गया, ठीक है, यानी कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रल रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। वो क्या रहता है, ठीक रहता है, आराम से हम लोग सब चीज़ अपना जितना भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस है वो उसको हम लोग आराम से चलाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एक अर्थिंग के लिए इसलिए रखा जाता है, कभी अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो वो जो वोल्टेज है वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कैसे न्यूट्रल होगा, इसके चलते न्यूट्रल होता है। जो चार्ज जो है वो बह जाता है कहाँ पर, कहाँ पर बह जाता है दोस्तों, अर्थ में बह जाता है, ठीक है, अर्थ में जो है बह जाता है। अगर 400 वोल्टेज आ गया, सपोज डैट 400 वोल्टेज नहीं ना अप्लाई हो पाता है, अगर 400 वोल्टेज आ गया घर में, तो जो 200 वोल्टेज है, जो क्षमता है, वो बाकी जो है कहाँ पर बह के चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, ठीक है। और फिर ये बराबर कर देता है उतना जितना हमको चाहिए, 230 वोल्टेज या 250 वोल्टेज जितना चाहिए होता है ना, जितना हम लोग को चाहिए उतना ला करके यहाँ पर रख देता है, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा आता है वो कहाँ पर बह जाता है, धरती में बह जाता है, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। और देखिए इसको इसीलिए लगाया जाता है ताकि अगर हमारा ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो हमारा ये चीज़ क्या, हमारे शरीर को और हमारे जो अप्लाइंसेस है, जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ है हमारे घर में, जो महंगा महंगा इलेक्ट्रिक चीज़ है, वो ख़राब ना हो, ठीक है। इसलिए अर्थिंग का यूज किया जाता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा तो हम लोग अगर घर के अंदर बैठे हुए हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, बहुत आ जाएगा, तो घर में आग लग जाएगा कि नहीं, है कि नहीं दोस्तों, आ रहा ना समझ में। इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए
बैलेंस करने के लिए अर्थिंग का यूज किया जाता है, ताकि जितना भी हमारा जो फालतू चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो धरती में क्या हो जाए, धरती में बह जाए चार्ज, ठीक है, धरती माँ उसको ले ले उतना चार्ज, वो उसके पास बहुत ताकत है ना, धरती माँ के पास, सह लेती है फट से, ठीक है। आगे समझ में आया ना समझ में दोस्तों? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अब आगे जो है कौन सा है, देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते ना, और ये भी बताना चाहेंगे कि हम लोग इसके पहले ही बता चुके हैं कि हमारा जो शरीर जो है वो भी क्या है दोस्तों, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, कि हमारा जो शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी का जो शरीर है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे समझ में दोस्तों? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, इसको हम लोग बना बना के समझेंगे क्या है। देखिए अब यहां पर दिया हुआ है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हो रहा है, बोल रहा है चार्जिंग करिए, ठीक है, किसका यूज करके, इंडक्शन का यूज करके। अब बात यह आता है कि इंडक्शन मतलब होता क्या है, ठीक है। देखिए इंडक्शन का मतलब होता है असर, ठीक है, क्या असर। तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, दो ठो अगर बॉडी है, ठीक है, दो ठो हमारे पास बॉडी है, तो एक को हम क्या कर दिए कि उसको रबिंग करके चार्ज कर दिए, ठीक है, रबिंग करके हम लोग इसको चार्ज किए और ये जो है चार्ज हो गया, और ये खाली आराम से बैठा हुआ था, और जो कि इसके पास अगर क्या कर रहे हैं, इसके पास ले करके आए, तो ये जो है ऑटोमेटिक क्या हो गया दोस्तों, चार्ज हो गया, ठीक है। ये अगर सपोज डेट मान के चलिए यहाँ पर माइनस था, ठीक है, और यहाँ पर प्लस था, और इसको जब चार्ज किए तो ये क्या हो गया, प्लस में था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इसके पास लेकर के आए, जो प्लस था वो चला गया यहाँ पर, और जो माइनस था वो चला गया यहाँ पर, ठीक है ना। आ रहा समझ में? ये चार्ज नहीं था, हम सिर्फ एक को चार्ज किए थे, और जैसे ही इसके पास लेकर के आए, इसके पास जैसे ही लेकर के आए, तो वो क्या हो गया दोस्तों, ऑटोमेटिक चार्ज हो गया। तो ऐसा ही जो है चार्ज होता है। अब देखिए हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया ना? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको जैसे ही इसके पास लेकर के आए थे, तो ये क्या हो गया था, आपको पता है ना कि इसमें चार्ज जो है क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, दोनों में आदान प्रदान हो रहा है चार्ज का, ठीक है। जितना चार्ज इसके पास है उतना ही चार्ज इसके पास भी चला जाएगा, अगर इसको पास लेकर के, बहुत करीब लेकर के आते हैं तो, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? आगे समझ में? चलिए एक चीज़ को ले लेते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है एक प्लास्टिक का मेरे पास रॉड है, ठीक है, प्लास्टिक का रॉड है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक पिथ बॉल को रखा गया है। पिथ बॉल उसको कहते हैं, कोई भी एक स्फेरिकल बॉल, ठीक है, चाहे वो मेटल का हो चाहे वो थर्मोकॉल का हो, कोई भी एक बॉल। तो वो बॉल जो है यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, ये चार्ज नहीं था, यहाँ पे बोला जा रहा है ना चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो ये चार्ज नहीं था, तो हम क्या हुआ कि इसको खूब चार्ज किए ऊल के कपड़े से, ठीक है, ऊन के, ऊल बोलिए चाहे ऊन बोलिए, बात बराबर है। तो ऊन के कपड़े से इसको हम क्या किए, खूब रब किए, तो क्या हुआ कि इसके पास जैसे ही लेकर के आते हैं हम, तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो ये किसके मदद से चार्ज हुआ, ये जो है प्लास्टिक रड के मदद से जो है चार्ज हो गया दोस्तों। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना। आगे समझ में दोस्तों? चलिए इसका हम थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं कि इंग्लिश में कि कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा। बस यही चीज़ था, इसका कहने का मतलब यही होता है, ठीक है, कि कोई भी एक बॉडी को चार्ज करिए और उसके पास ले जाइए, तो वो जो है चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है,
ठीक है। तो इसका मतलब होता है, इसको लिख दीजिएगा, इसे डिफाइन करिएगा, इंडक्शन इज द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस है बाय विच ए बॉडी, कोई भी बॉडी, बाय विच ए बॉडी एक्वायर्स ए चार्ज। बता रहा हूँ मैं, इसका पूरा अच्छे से पहले लिख लेता हूँ, ऑफ ऑपोजिट साइन विदाउट लॉसिंग, ठीक है, विदाउट लॉसिंग एनी ऑफ इट्स ओन चार्ज वेन अनदर चार्ज, ठीक है, अनदर चार्ज्ड बॉडी इज ड्राउट वेरी। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा, लेकिन कोई ऐसा जान नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी है। वेरी क्लोज चार्ज्ड बॉडी इज ड्राउट, ठीक है, वेरी क्लोज टू इट। देखिए इसका कहने का, इंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ए बॉडी एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ ऑपोजिट साइन, ठीक है। जो हमारा जो बॉडी था, ठीक है, दो बॉडी था ना दोस्तों, ठीक है, तो एक के पास बिना चार्ज था, कोई उसके पास चार्ज था ही नहीं, ठीक है ना, तो वो तो लॉस तो करेगा ही नहीं, नहीं ना करेगा, तो उसका जो ओपोजिट साइन रहेगा, जैसे यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पर माइनस रहेगा, तभी ना दोनों क्या होगा, दोनों डिस्ट्रीब्यूट करेगा चार्ज को। आ रहा है समझ में? जब यहाँ पर जो हम इस प्लास्टिक रड को रबिंग किए थे, तो ये क्या हो गया था, इसके अंदर पॉजिटिव प्रोटोन आ गया था, और ये जो हमारा शांति से था, इसमें कुछ था ही नहीं, तो जैसे ही इसके पास ले करके गए उस बॉडी के पास, तो उसमें ऑटोमेटिक क्या हो गया, क्या बदलाव आया आया, जो हमारा चार्ज था इधर क्या हो गया, निगेटिव साइन हो गया, इसका जस्ट अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन कौन है दोस्तों, इधर माइनस, ठीक है, तो जब माइनस होगा तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा ना। अगर इसी चीज़ को फिर से हम इधर लेकर के आते थे, तो क्या हो रहा था, इधर इधर ना प्लस था, इधर क्या है, माइनस था, तो ये चीज़ उधर चला जाएगा, रिपेल हो जाएगा ना। आ रहा है ना समझ में? तो यानी कि चार्ज ऐसे ही ट्रांसफ़र होता है दोस्तों, इधर से भी चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है और इधर से भी, क्योंकि बॉडी जो है एक जगह पर नहीं ना है, वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, बॉडी बॉडी जो है मोशन में तो आ रहा है ना, एक्शन हो रहा है ना बॉडी के साथ। आ रहा है समझ में? तो देखिए, बॉडी एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ ओपोजिट साइन विदाउट लॉसिंग एनी ऑफ इट्स ओन चार्ज, उसका जो है अपना जो चार्ज था, वो बिना लॉस किए हुए जो है एनदर चार्ज बॉडी में जो है पहुंच गया, कब, जब उसको क्लोज, जब उसको दोनों को क्लोज रखे तब वो पहुंच गया, पहुंच गया ना, बहुत ही इजी वे में दिखाया था ना आपको डायग्राम, पहुंच गया था, ठीक है। तो यही चीज़ था। अब चलिए हम लोग, आप बताइएगा कि कैसा आज पढ़ाएं हम लोग फिजिक्स, फिजिक्स का हमारा फर्स्ट क्लास था, आप बताइएगा किस टाइप से पढ़ाएं ताकि आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है, आप जैसे बोलिएगा हम वैसे पढ़ाएंगे, ज़्यादा जिसका कमेंट होगा जिस टाइप से, उस टाइप से हम पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ था थोड़ा बेसिक चीज़, अब थोड़ा बड़ा हो गया ना वीडियो, इसलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल, हम देखिए मैं इस टाइप से पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी चीज़ आएगा उसके हिसाब से मैं पढ़ाना चाहता हूँ, और हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ ऐसा ही पढ़ लिए, ठीक है। अब बताइएगा कि सिर्फ हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ें या टोटल पढ़ें, टोटल फिजिक्स को पढ़ें, ठीक है, आप ज़रूर बताइएगा, इसी तरह से कि सिर्फ एक्सरसाइज, ज़रूर बताइएगा, ठीक है।